फेक कंपनी का मतलब यह है कि इस क्रोमा पे मैंने एक एसी परचेस किया था 1 टन का। एसी परचेस करने के बाद में मैंने एज इट इज़ एक टेक्नीशियन बुलाया था एसी सर्विस के लिए। तो सर्विस के लिए जब बंदा आया तो मेरी वाइफ की रिंग वॉशरूम में रह गई थी, और उसके बाद में वो टेक्नीशियन और जो उसका हेल्पर है उन्होंने मेरे को नीचे भेज दिया कि आप नीचे देख लो कि पानी गिर रहा है तो आप रोक दो। तो मैंने कहा कि मेरा घर है, एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप एज इट इज़ आप अपना सर्विस करिए। फिर भी उन्होंने मुझे फोर्सफुली नीचे भेजा। नीचे भेजने के बाद में जब मैं ऊपर आया तो उन्होंने एसी की सर्विस कर दी, मात्र और मात्र 10 मिनट में पूरी एसी की सर्विस करने के बाद में वो लोग चले गए। फिर उसके बाद जब मैंने वॉशरूम में देखा तो वो रिंग वहाँ पे नहीं थी। पिछले 5 दिन से मैं इन लोगों को यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा हूँ क्रोमा पे कि मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, बट कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं सर टेक्नीशियन ने मना कर दिया, हेल्पर ने मना कर दिया, रिंग नहीं ली। अरे यार, चोरी करने के बाद तो कोई बोलेगा नहीं कि यार मैंने रिंग ली है, मेरे से ले लो आके। मैंने मेल करी हुई है इनको, वो कह रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं पता, आपको जो करना है कर लो। तो अगर आप क्रोमा के साथ जुड़े हुए हैं तो एज इट इज़ यहाँ से तो सामान बिल्कुल ना लें। इनका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 5 दिन से कोई सिंगल रिवर्ट नहीं डाल रहे हैं ये लोग मेल पे, और ना कोई इनकी तरफ से मुझे कॉल आया है। तो मैं यही कहूँगा कि क्रोमा को जितना हो सके उतना अवॉइड करें।